नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित मलिक, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेटिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ के रूप में आरटीओज हॉस्पिटल पानीपत में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे भय की समस्या या फोबिया के बारे में। भय की समस्या एक तरह का फोबिया होता है जिसमें इंसान को पता होता है कि उसका जो डर है, भय है, वो जायज़ नहीं है, वो गलत है, फिर भी वो इंसान डरता है। तो किस तरह के फोबिया होते हैं? जो मेन फोबिया या भय की समस्या होती है, सामाजिक फोबिया, वो सबसे क्रिपलिंग या इंसान के लिए जो काम नहीं करने देता, ऐसा होता है और इंसान नहीं पहचान पाता कि इसका इलाज संभव है, ये सोच के कि वो इंट्रोवर्ट है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज हम बात करेंगे सामाजिक फोबिया। सामाजिक फोबिया में क्या होता है? इंसान सामाजिक स्थानों पर, जैसे कि भीड़भाड़ वाली जगह, शादी, ब्याह, पार्टी या और सामाजिक स्थानों पर जाने में, अपने रिश्तेदारों के घर जाने में घबराता है। अगर ऐसी जगह जाना पड़ जाए या ऐसी स्थिति को फेस करना पड़ जाए तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ना, घबराहट होना, पसीना आना, दिमाग में अजीब सा महसूस होना, इस तरह के लक्षण उसे आने लगते हैं और बहुत ज़्यादा पसीना भी आ जाता है। जैसे ही वो इन सिचुएशन से वापिस जाता है, नॉर्मल अपने घर पे अकेला होता है, उसकी सिचुएशन अपने आप नॉर्मल हो जाती है, घबराहट, धड़कन नॉर्मल आ जाती है। तो ये सामाजिक फोबिया के लक्षण हैं। इसमें इंसान सामाजिक स्थानों पर या मंच पर जाकर बोल भी नहीं पाता, किसी दूसरे इंसान से आंख में आंख मिला के भी बात नहीं करता है, उसके अगर ऐसे बात किसी इंसान से, अननोन पर्सन से बात करता है तो उसके हाथों में कंपन या जुबान लड़खड़ाना, इस तरह के लक्षण भी आते हैं। इसके अलावा, सामाजिक फोबिया के अलावा और फोबियाज हैं अगोराफोबिया, जैसे कि लिफ्ट, भीड़भाड़ वाली जगह या ऐसी जगह जहां से बच के निकलना मुश्किल है, इंसान को डर की समस्या पैदा हो जाती है। इस फोबिया के अलावा कुछ स्पेसिफिक फोबिया होते हैं, जैसे कुछ इंसान छिपकली से डरते हैं या पर्टिकुलर जानवर से डरते हैं, कॉकरोच से डरते हैं, ये स्पेसिफिक फोबियाज आते हैं। जो भी फोबियाज हैं, इनको ये ना समझे कि ये इंसान का व्यक्तित्व है या पर्सनैलिटी ऐसी है और इनका इलाज संभव नहीं है। अगर आप किसी सामाजिक फोबिया या अलग फोबिया से पीड़ित हैं तो जाके अपने नज़दीकी मनोरोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करें, सलाह करें और इसके इलाज के बारे में डिस्कस करें। धन्यवाद।